हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो पीजे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू यूज़ मैंगो वीपीएन ऐप के बारे में। मैंगो वीपीएन ऐप क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है, इसके बारे में आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो सबसे पहले आपको मैंगो वीपीएन ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है मैंगो वीपीएन। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का लोगो दिखेगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंगो वीपीएन बेस्ट फ्री वीपीएन एंड अल्टीमेट हाई स्पीड। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा इस ऐप में आपको काफ़ी सारे वीपीएन के सर्वर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, और इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो सेलेक्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंट्रीज़ के यहाँ पर सर्वर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी कंट्री का सर्वर को यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो सेलेक्ट का, तो यहाँ पर आप ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो जो सर्वर यहाँ पे फास्ट होता है तो वो सर्वर से आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन सर्वर से आप कनेक्ट करके यहाँ पर किसी भी मूवीज़ को देख सकते हैं, और यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कनेक्टिंग होना चालू हो चुका है। तो यहाँ पर जो सर्वर यहाँ पर फास्ट होगा तो उसे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीपीएन जो है कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर वीपीएन को डिसकनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप वीपीएन को डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपको फोर डॉट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पर बंद कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको फीडबैक देना है तो यहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।